स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। अगर पिछले कुछ समय को देखा जाए तो बॉलीवुड की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त रहीं। इसमें भाईजान सलमान खान से लेकर अजय देवगन और कार्तिक आर्यन तक शामिल हैं। लेकिन इस बीच साउथ की कई कम बजट फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। साउथ की फिल्मों में दसरा और विरूपक्ष के बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाने के बाद मलयालम की फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ाकर रख दिया है। फिल्म रिलीज होने के 13 दिन बाद भी इसके कलेक्शन में जबरदस्त उछाल जारी है। मलयालम मूवी 2018 का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। केरल की बाढ़ पर बनी 2018 कमाई के नित नए रिकॉर्ड बना रही है। 2018 मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म ने 13 दिन में 111 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और मलयालम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की ओर कदम ताल भी कर रही है। फिल्म ने दुनिया भर में यह कमाई की है। फिल्म ने केरल में 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, जबकि इसका बाकी कलेक्शन विदेशों से है। इस तरह फिल्म देश और विदेश दोनों जगह पर खूब पसंद की जा रही है। मलयालम फिल्म 2018 को देखने के लिए दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया और अब इस फिल्म ने मलयालम सिनेमा के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जो पहले सुपरस्टार मोहनलाल की लूसीफर के नाम था। फिल्म ने 11 दिन में 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जबकि लूसीफर ने 12 दिन में 100 करोड़ कमाए थे। 2018 मूवी में टोविनो थॉमस, कुचाको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवासन, अपर्णा बालमुरली और तन्वी मुख्य किरदारों में हैं। फिल्म को काव्य फिल्म कंपनी और पीके प्राइम प्रोडक्शन के बैनर तले वेणु कुन्नपिली, सी के पद्म कुमार और एंटो जोसफ ने प्रोड्यूस किया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में भी लाया जा सकता है। फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।